हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक। जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि ये मैंने रिक्रिएट किया है करीना कपूर खान से इंस्पायर्ड। एंड मैंने कोशिश की है कि उन्हीं के जैसी ड्रेस पहनूँ। सो मेरे पास जिस तरह की थी मैंने वैसी पहनी है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेकअप लुक कैसा लगा आपको। एंड आप देख सकते हो कि उन्होंने इस तरीके का सटल सा एवरीडे मेकअप लुक किया हुआ है। सो मैं भी यहाँ वैसे ही करने वाली हूँ। तो मैंने अपने क्लीन फेस पे अप्लाई किया है हेल्थ गुडनेस का टोनर, और ये है लेवेंडर। एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, समर के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें एक बार। एंड उसके बाद मैंने लिया है यहाँ NYBA का सीरम। एंड ये वाटरी है थोड़ा, इसकी कंसिस्टेंसी जो है एंड काफ़ी अच्छा है, बट ये मेरे फेस पे थोड़ा सा स्टिकी लगता है, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा है। एंड इसे मैं इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी यहाँ जॉनसन बेबी की क्रीम। एंड ये काफ़ी अच्छी क्रीम है, माइल्ड है, एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये आपके फेस पर अच्छा वर्क करेगी। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ प्राइमर। मैंने यहाँ लिया है एस्चे क्वेकी का प्राइमर, ताकि मेरा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड मेरे जो पोर्स हैं वो क्लॉक हो जाएं, जिससे कि उनमें फाउंडेशन फिल ना हो एंड बेस जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है मैंने यहाँ लिया है ग्लो स्टिक एज अ बेस। मैं फाउंडेशन से पहले इसको इस तरीके से अप्लाई करूँगी एंड ब्लेंड कर लूँगी ब्रश की हेल्प से, थोड़ा सा ग्लोई रहे मेरा फेस इसलिए। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है NYBA का फाउंडेशन, एंड इसे मैं पहले तो शेक करूँगी अच्छे से, एंड इसे अपने हैंड के बैक पे लेके अपने फेस पे ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई करूँगी एंड उसे ब्रश से ही ब्लेंड कर लूँगी। ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, अगर आप चाहें तो हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे देख सकते हो आपकी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ कंसीलर, एंड इसे अपने टीजोन एरिया पे अप्लाई करूँगी जहाँ यूजुअली मैं लगाती हूँ, एंड उसके बाद इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से लगाया है एंड इसे ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड इसकी हेल्प से मैं अपने फेस को सेट करूँगी। सो मैं यहाँ ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये मैंने पफ लिया है, उसी की हेल्प से इसे डैप करके अपने फेस को सेट कर लूँगी अच्छे से। एंड जो ये फाउंडेशन था ये मेरी स्किन से थोड़ा सा लाइट लग रहा था, बट पूरा मेकअप होने के बाद नहीं लग रहा था कि ये बहुत लाइट है। उसके बाद मैंने अप्लाई किया है लिप बाम, ताकि जब मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँ तो मेरे लिप अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएं। उसके बाद मैंने लिया है ग्लैम 21 का ब्लश पैलेट, एंड इसमें से मैं ये वाला शेड करूँगी एंड इसमें मिक्स करूँगी थोड़ा सा पिंक शेड, एंड इसे अपने चीक्स पर अप्लाई करूँगी, नोज़ पे एंड चिन पे, क्योंकि उनकी पिक में उनकी नोज़ एंड चिन भी जो है वो थोड़ी सी पिंकिश लग रही है। सो मैं भी यहाँ वैसे ही अप्लाई करूँगी। अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने लिया है सेम ग्लो स्टिक, एंड इससे मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी। एंड गाइज, अगर आप एक अच्छा सा सटल सा हाईलाइटर अगर ढूंढ रहे हैं क्रीम में, तो ये गाइज बेस्ट ऑप्शन है एंड अफोर्डेबल है, और ये बहुत अच्छे से आपके फेस को ग्लो देता है। एंड इसमें कोई भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, ग्लिटर नहीं है, एंड इसके पीछे स्पंज जो दिया है मैं उसी से ब्लेंड कर लूँगी इसे अच्छे से, एंड ये गाइज ब्लेंड भी बहुत ईजिली हो जाता है। एंड इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी बैक में जो इसमें स्पंज दिया हुआ है। एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा सा सटल सा ग्लो आ गया है। एंड उसके बाद मैं इसे फिंगर से भी ब्लेंड करूँगी।
उसके बाद मैंने अपनी ब्राउज़ को फिल किया है। यहाँ ब्राउज़ के लिए मैंने यूज़ किया है मोदा की आईब्रो पेंसिल एंड शेड है डार्क ब्राउन, एंड इसे अपनी ब्राउज़ को फिल कर लूँगी एंड इसमें जो स्पूली दिया हुआ है उसी से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। एंड मैंने अपनी ब्राउज़ को फिल कर लिया है दोनों को, एंड उसके बाद मैंने सेम पैलेट में से जिसमें से मैंने ब्लश यूज़ किया था उसमें से ये पिंकी कलर पिक करूँगी एज अ क्रीज लाइन। मैं इसे क्रीज लाइन पे इनर और आउटर साइड में ब्लेंड करूँगी अच्छे से। आप देख सकते हो कि कैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इसे अच्छे से ब्लेंड करते जाऊंगी। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है ब्लैक शेड किस ब्यूटी का, एंड इसे मैं अपनी आउटर वी पे प्लेस करूंगी एंड ब्लेंड करूंगी। बस मैं आउटर वी पे ही रखूंगी क्योंकि पिक में ऐसे लग रहा था थोड़ा सा उनका जो आउटर वी है वो थोड़ा सा स्मोकी है ब्लैक, सो मैंने भी उसी तरीके से करने की कोशिश की है। सो मैं इस तरीके से ही दोनों आईज़ पे अप्लाई कर लूँगी एंड इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो आई शेडो है वो पैची ना लगे, एंड अच्छे से इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने इसे ब्लेंड किया है, तो ये थोड़ा सा ग्रेइश शेड आ गया है। एंड उसके बाद मैंने लिया है लैक्मे 925 का ये वाला शेड, इसमें 4 शेड हैं, एंड उसमें जो ब्रश दिया है स्पंज एप्लीकेटर उसी की हेल्प से मैं अपनी आईलेट पे अप्लाई कर लूँगी। एंड उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पेंसिल ब्रश, स्मॉल पेंसिल ब्रश, क्योंकि उनकी पिक से ऐसे लग रहा था कि उन्होंने कोई आईलाइनर अप्लाई नहीं किया है, थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट लग रहा था। सो मैंने यहाँ ब्लैक मैट आई शेडो लिया है जो मैंने अपनी आउटर वी पे अप्लाई किया था, उसी को स्मच करूँगी अपनी अपर लैश लाइन के क्लोज, एंड आप देख सकते हो थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आ गया है। एंड इसी तरीके से मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी स्मोक करूँगी, स्मोकी थोड़ा इफेक्ट दूँगी, एंड ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ब्लेंड हो जाए ये अच्छे से और ब्लेंडेड दिखे, हार्श लाइन ना रहे। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है प्लम का काजल, ऑल डे वियर वाला, एंड गाइज ये बहुत अच्छा काजल है। अगर आप कोई अच्छा सा काजल ढूंढ रहे हैं तो इस काजल को एक बार ज़रूर ट्राई करें। एंड इसके बाद मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाया है एंड अपर लैश लाइन को टाइट लाइन किया है। एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। सो मस्कारा के लिए मैंने यहाँ लिया है मेबलिन का मस्कारा, एंड उनकी पिक में उन्होंने कोई भी आई लैशेज अप्लाई नहीं की थी, सो मैंने भी यहाँ कोई भी लैशेज अप्लाई नहीं की है, बस अपनी लैशेज को कर्ल किया है एंड मस्कारा की 2 कोट अप्लाई की है। एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी यहाँ लिपस्टिक। सो गाइज ये जो लिप शेड था वो अच्छा नहीं लग रहा था, जा नहीं रहा था उनका जो लिप शेड था उससे, सो मैंने बाद में लिप शेड चेंज कर दिया था, थोड़ा सा डार्क कर दिया था इसी के ऊपर। सो गाइज ये मेरा फाइनल लुक। आई होप ये मेकअप लुक आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए। सो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, टिल देन एंड बाय।